ബാലഗണേഷ്, ബാലഗണേഷ്. മാ, ആപ്നേ മുജേ മോദക് ഖിലാനേ കേലിയേ ബുലായാ ഹൈ നാ? മോദക് ഖിലാനേ കേലിയേ നഹീ, കാം കേലിയേ ബുലായാ ഹൈ. യേ ലോ, യേ സാമാൻ അപ്നേ പിതാജീ കേ പാസ് ജാകർ രഖ് ദോ. പർ മാ, ഇസ് സമയ തോ പിതാജീ കൈലാശ് പർ ഹൈ, വഹാ ജാഊംഗാ തോ മേരാ ഖേൽ രുക് ജായേഗാ. ബാലഗണേഷ്, ഇസ് സമയ തുമ്ഹാരേ പിതാ ധ്യാൻ കർ രഹേ ഹൈ. ക്യാ തുമ്ഹേ അച്ഛാ ലഗേഗാ? യദി ധ്യാൻ സേ ഉഠനേ കേ ഉപരാന്ത് ഉന്ഹേ സ്നാൻ കേ ലിയേ ഫൂലോ കീ സുഗന്ധ് ഔർ അംഗോച്ഛാ നാ മിലാ തോ? ആപ് ഠീക് കേ രഹീ ഹൈ മാ. പഹലേ മാതാ പിതാ കീ സേവാ, താത് പശ്ചാത് കാം ദൂജാ. ചലോ മൂഷക് മഹാരാജ്, കൈലാശ് ചലേ. तेज मूषक महाराज, और तेज. अरे रुक भी जाओ मूषक जी, हम कैलाश पहुंच गए हैं. कौन है? ये पकड़ो और ये मुझे दो. प्रभु, आपको ऐसे लुढ़काने की चेष्टा किसने की? बताइए मुझे, मैं उसका सर फोड़ दूंगा. ये सब तुमने ही किया है नंदी महाराज. मैंने? किंतु मैं कैसे? ये अपराध तो आपसे ही हुआ है नंदी महाराज. चलो अब बिना कोई क्षण गवाए अपना वचन पूरा करो, आप अपना सर फोड़िए. यदि ये अपराध मैंने किया है तो मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए. मैं अभी उस चट्टान पे अपना सर फोड़ लेता हूँ. अरे रुको नंदी महाराज, उस चट्टान की जगह तुम उस वृक्ष पर भी टक्कर मार दोगे तो भी तुम्हारा वचन रह जाएगा. जो आज्ञा प्रभु की. अगम, सही कहा तुमने, ये तो मार ही डालेगा. अरे कोई इसे रोको, नंदी रुक जाओ. कहो मूषक महाराज, इस शरारत में मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आया प्रभु. नंदी, ये सामान तुम जल्दी से पिताजी के पास ले जाकर रख दो. प्रणाम मुनिवर. प्रणाम मुनिवर. आयुष्मान भव. प्रभु बालगणेश, हम महादेव से मिलने आए हैं. पिताजी तो इस समय ध्यान मग्न है मुनिवर. तो उन्हें जगाइए बालगणेश, हमारा उनसे मिलना बहुत आवश्यक है. क्या मैं आपकी आवश्यकता का कारण जान सकता हूँ मुनिवर? दुष्ट भाभी, अब तेरी मृत्यु का समय आ गया है.
प्रसर ऋषि, मुझसे लड़ने की तेरी इच्छा शक्ति की प्रशंसा करता हूँ, इसलिए जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु ये जीवन दान केवल कल तक का है। कल मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगा। यदि हमने समय रहते सिंदूर असुर को ना रोका बाल गणेश, तो वो समस्त मानव जाति के लिए काल बन जाएगा। मेरे ख्याल से इतने छोटे से कार्य के लिए आपको पिताजी का ध्यान भंग करने की आवश्यकता नहीं है मुनिवर। आपके दुष्ट सिंदूर असुर को तो मैं ही देख लेता हूँ। परंतु प्रभु, आप तो अभी बालक हैं, और वो शरीर के अनुपात से बाल की तुलना मत कीजिए मुनिवर। चींटी छोटी होती है, परंतु वो हाथी के सूंड में घुसकर उसे पछाड़ने की शक्ति रखती है। क्या तुम सब तैयार हो? जी प्रभु, जी प्रभु। तो चलो। दोबारा ये गलती मत करना। निर्दोष प्राणियों और ऋषि मुनियों को मारकर अपने आप को शूरवीर समझने वाले सिंदूर असुर, मैं तुम्हें लड़ने के लिए ललकारता हूँ। बाहर आओ सिंदूर असुर। किसकी मृत्यु आई है जो मेरे ही द्वार पर मुझे ललकार रहा है? हिम्मत है तो बाहर आ सिंदूर असुर। किसकी मृत्यु आई है जो मुझे ललकार रहा है? सामने आओ। सामने ही तो खड़ा हूँ सिंदूर असुर, नीचे तो देखो। तुम मुझे मारोगे बालक? नहीं सिंदूर असुर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारा अहंकार तुम्हें मारेगा। लगता है इस राक्षस की मति भ्रष्ट हो गई है। परंतु तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भृंगी? क्योंकि मेरे पास बुद्धि है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा धन्यवाद सिंदूर असुर। तुम्हारे इस हंसने की कला ने मेरा भरपूर मनोरंजन किया है। सिंदूर असुर, जो मौत का दूसरा नाम है, वो तुम्हें मनोरंजन का साधन लगता है? निसंदेह। अब बातों में समय व्यर्थ मत गवाओ सिंदूर असुर। यदि तुम वचन देते हो कि आज के उपरांत तुम किसी भी ऋषि मुनियों और मनुष्यों को नहीं सताओगे, तो मैं महादेव पार्वती पुत्र बाल गणेश तुम्हें छोड़ दूंगा। तो तुम हो महादेव पुत्र बाल गणेश? तो ठीक है, मैं व्यर्थ में समय नहीं गवाता और तुम्हें अभी पकड़ कर मसल देता हूँ। मसलने की इच्छा पाल रहे हो? पहले पकड़ के तो दिखाओ। ओम ह्रीम क्रीम श्रीम गदा भट स्वाहा। देखता हूँ तुम कैसे बचते हो बाल गणेश।
आपके पराक्रम पर शंका करने के लिए हमें क्षमा करें प्रभु बाल गणेश। शंका छोड़िए मुनिवर, आपके चक्कर में मैं और नंदी जी पिताजी को अंगोछा और फूलों के सुगंध देना भूल गए। इससे पहले कि वो ध्यान से उठे मुझे ये दोनों चीजें वहाँ रखनी होंगी। मैं जाता हूँ, प्रणाम। बाल गणेश की जय।